त्रिपाठी जी, वर्ल्ड ऑर्डर पर इसका क्या फर्क पड़ेगा जी? देखिए, ऐसा है कि वर्ल्ड ऑर्डर पे इस घटना का कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका की एक पॉलिसी रही है मोर और लेस जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पॉलिसी या ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की पॉलिसी मोर और लेस एक ही रही है। कुछ मुद्दों पर दोनों में फ़र्क है, जैसे कि जो बाइडेन मानवाधिकारों पे जो बाइडेन की पार्टी ज़्यादा बोलती है, जैसे कि जो बाइडेन की पार्टी और भी चीज़ों सहयोग पे ज़्यादा बोलती है। लेकिन क्या है कि चीन पर देखिए, चीन के बारे में अमेरिका के रुख में कोई बदलाव नहीं आएगा। जो बाइडेन पहले भी कह चुके हैं कि चीन के ऊपर हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आएगा, हम वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर हम जीतेंगे तो हम साउथ चाइना सी में अपना समुद्री बेड़ा परमानेंटली रखेंगे वहाँ। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर पे इसे एक घटना से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यह है कि इसे घटना ने अमेरिका में लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। अभी पूर्णिमा जी ट्रंप के बारे में काफ़ी कुछ सपोर्ट कर रही थी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये कैसा राष्ट्रपति था जो कि एक बार एक चीज़ कहता है, दूसरी बार दूसरी चीज़ उसके ठीक उलट कहता है। वो राष्ट्रपति जो कहता है उसके कथनी और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के बात में फ़र्क होता है, डिस्कनेक्ट होता है। एक बार ट्रंप कुछ कहते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट लीपापोती करके उसको संभालने की कोशिश करता है। ये वो ट्रंप है। देखिए, ये अमेरिकन इलेक्टोरल सिस्टम की एक बड़ी खामी हुई है। खामी क्या हुई है कि एक आदमी जिसको कोई भी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था, उसको आपने उठा करके पैसे के बल पे उसने नॉमिनेशन लिया और पैसे के बल पे वो आ गया। अब क्या है कि वो तो CEO रहे अपने कंपनीज़ के, तो अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तो वो CEO की तरह चलाते हैं। कभी अपने सिक्योरिटी एडवाइज़र को हटा दिया, कभी डिफेंस सेक्रेटरी को हटा दिया, कभी स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हटा दिया, कभी अटॉर्नी जनरल को हटा दिया। तो ये चीज़ें फिकल माइंडेडनेस शो करती हैं। लेकिन ऑल सेड एंड डन, रिपब्लिकन पार्टी भी बुरी पार्टी नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी में ही मिट रोमनी, केली लोफिंगर, रिचर्ड बर, रॉय ब्लंट, क्रिस क्रिस्टी, लिज चेनी, बिन सासे, इन सभी ने आलोचना की है ट्रंप की। और ट्रंप ने भी जब माइक पेंस ने कहा कि नहीं, मैं इंटरफियर नहीं करूंगा सेनेट के काम में, तो ट्रंप ने कह दिया कि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि वो ऐसा करे।